हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक ऑनलाइन में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने मौर्य काल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम मौर्य काल के बाद यानी मौर्योत्तर काल के बारे में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल का जो टाइम पीरियड है वो 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी माना जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें तथा इसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ऑन कर दें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय सभागारों में सर्वप्रथम यवनिका का इस्तेमाल किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ग्रीक हो जाएगा। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए यह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हिंद जवन हो जाएगा, यानी कि हिंद जवन ने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। और इंडो ग्रीक का जो सबसे फेमस राजा था वो मिनांडर था, और जिसे पुष्यमित्र सुंग ने हराया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कुषाण काल में सबसे ज़्यादा प्रगति किस क्षेत्र में हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी साहित्य क्षेत्र हो जाएगा। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजुल कडफिसेस था, इसका अंतिम शासक वासुदेव था, और इस वंश का जो सबसे प्रचलित शासक है वो कनिष्क है, जिसे देवपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पुरुषपुर हो जाएगा। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया, जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने किसके काल में आया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी गॉन फर्नेस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, शक संवत की शुरुआत किसने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, चरक किसके दरबार में राज्य वैद्य थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कनिष्क हो जाएगा। चरक जो थे वो कनिष्क के राजदरबार में राजवैद्य थे, और इनके द्वारा जो लिखी पुस्तक है वो चरक संहिता है। इसके अलावा अश्वघोष, नागार्जुन, वासुमित्र भी कनिष्क के राजदरबार में रहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन भारत में सातवाहन साम्राज्य के दौरान एक जिले को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 आहार हो जाएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक जो था वो श्रीमुख था, और इसकी राजधानी पैठन थी, और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सातवाहन शासकों ने ही शुरू की थी, से आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कनिष्क की बिना सिर की मूर्ति किस जगह पाई गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी मथुरा हो जाएगा। गांधार और मथुरा शैली का जो विकास है वो कनिष्क के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किस काल के दौरान गंधार कला का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क हो जाएगा, यानी कि गांधार कला और मथुरा जो कला है उसका सबसे ज़्यादा विस्तार कनिष्क के समय में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य वंश के बाद सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए इंडियो वैक्टेरियन हो जाएगा। मौर्य वंश के बाद सर्वप्रथम जो भारत पर आक्रमण किया था वो इंडो ग्रीक ने किया था, उसके बाद शक आए, उसके बाद पल्लव आए, और उसके बाद कुषाण आए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, शुंग वंश के बाद किस वंश ने राज किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कण्व वंश हो जाएगा। कण्व वंश के जो संस्थापक थे वो वासुदेव थे, और इसके जो अंतिम शासक थे वो सुशर्मा थे, तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को युद्ध में हराया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पेनचाओ हो जाएगा, यानी कि पेनचाओ ने कनिष्क को युद्ध में हराया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में नहीं था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी विशाखदत्त हो जाएगा, यानी कि विशाखदत्त जो था वो कनिष्क के दरबार में नहीं था। ऑप्शन नंबर ए है अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी, जिसे कि बौद्धों की रामायण कहा जाता है। ऑप्शन सी है वासुमित्र। वासुमित्र ने महाविवाद सूत्र की रचना की थी, जिसे कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है, तो आप ये भी याद रखेंगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पैठन हो जाएगा। सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो श्रीमुख था तथा सातवाहन शासकों के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार हॉल एवं गुणाढ्य रहते थे। तो आप ये भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन राजा वर्ण व्यवस्था का समर्थक था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी खारवेल हो जाएगा। खारवेल जो थे वो चेदी वंश के शासक थे और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जो कला वस्तु भारतीय और ग्रीक को जोड़ती है वो है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी गांधार हो जाएगा। गांधार कला वस्तु जो है वो भारतीय और ग्रीक को आपस में जोड़ती है। और इंडो ग्रीक का जो सबसे फेमस राजा था वो मेनांडर था, जिसे कि पुष्यमित्र सुंग ने हराया था। और इंडो ग्रीक ने ही सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विंध्य अधिपति के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सातकर्णी हो जाएगा। सातकर्णी जो था वो सातवाहन वंश का शासक था, जिसने कि दो अश्वमेध यज्ञ तथा एक राजसूय यज्ञ कराया था। और सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत और ब्राह्मी थी। तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सर्वप्रथम छत्र प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ग्रीक हो जाएगा। यानी कि ग्रीक ने ही सर्वप्रथम छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। मौर्य वंश के बाद सबसे पहला आक्रमण ग्रीक ने किया था, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद पल्लव आए थे और उसके बाद कुषाण आए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, चौथी बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वासुमित्र हो जाएगा। चौथी जो बौद्ध संघी थी वो कनिष्क के काल में वासुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलवन में संपन्न हुई थी। तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रुद्रदमन हो जाएगा। रुद्रदमन जो था वो शक वंश का सबसे प्रख्यात राजा था। रुद्रदमन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया था। तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, किसने मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना की थी और पुष्यमित्र ने ही इंडो ग्रीक राजा मिनांडर को हराया था। और शुंग वंश की जो राजधानी थी वो विदिशा हुआ करती थी। और पुष्यमित्र शुंग ने ही भरूत स्तूप का निर्माण भी कराया था। तो इससे आप ये भी फैक्ट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वासुदेव हो जाएगा। कण्व वंश का जो संस्थापक था वो वासुदेव था और इसका जो अंतिम शासक था वो सुशर्मा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो श्रीमुख था, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सातवाहन वंश में जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे वो हॉल एवं गुणाढ्य थे। हॉल ने गाथा सप्तशती लिखी थी और गुणाढ्य ने व्रत कथा की रचना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक कृति की रचना की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हॉल हो जाएगा। सातवाहन शासकों के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार हॉल और गुणाढ्य हुआ करते थे। हॉल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी और गुणाढ्य ने व्रत कथा की रचना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सातवाहन हो जाएगा। यानी कि सातवाहन मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। सातवाहन शासकों की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी, जो अभी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक थे उनमें श्रीमुख सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। और सातवाहन शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो ब्राह्मी और प्राकृत थी। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, बुद्ध की खाड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कुषाण वंश हो जाएगा। यानी कि बुद्ध की जो खाड़ी प्रतिमा थी वो कुषाण काल में बनाई गई थी। और कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति हुई थी और इसके बाद ही बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था, हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय। कनिष्क जो था वो महायान संप्रदाय का फॉलोअर था। से आप ये भी याद रखेंगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कड़फिसेस टू हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, त्रातार की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए शक हो जाएगा, यानी कि शक शासकों ने त्रातार यानी मुक्तिदाता की उपाधि धारण की थी। शक शासकों में सबसे प्रतापी जो राजा था वो रुद्रदमन प्रथम था और यह संस्कृत का बड़ा प्रेमी हुआ करता था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में ही 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी और मूलतः जो शक थे वो मध्य एशिया से आए थे, तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि भरूत स्तूप, सांची की वेदिका और तोरण द्वार और भाजा स्तूप, तीनों का सुंग वंश के दौरान निर्माण हुआ था और भरूत स्तूप का जो निर्माण था वो पुष्यमित्र सुंग ने कराया था। तो दोस्तों ये थे आज के मौर्योत्तर काल से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।